नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। 10 का दम में आज हम बात करेंगे उपचुनाव की, क्योंकि उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी अब पूरी तैयारी के साथ उतर आई। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कश्मकश कह सकते हैं वो बनी हुई है। हालांकि जो असमंजस की स्थिति है उससे उबर नहीं पा रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि पहले ऐसे तमाम प्रत्याशियों के नाम सामने किए गए, उसके बाद फिर बदलाव हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिरी वक्त में इतना बदलाव कहीं ये पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग खास जुड़ चुके हैं और कह सकते हैं कि जो पूरी गणित है उपचुनाव की, जो समीकरण है वो बैठाने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके की जो जुगलबंदी है वो तैयार की जा रही है इन 2 सीटों पर। कह सकते हैं कि बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो तमाम तैयारियों के बीच जो संग्राम है वो पूरी तरीके से छिड़ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि कौन जीतेगा उपचुनाव, किसके पक्ष में ये जीत रहेगी, ये अभी देखने वाली बात है। क्योंकि चुनाव 25 को चुनाव है और 26 को नतीजे आने हैं और तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से, शबनम जी बहुत स्वागत है आपका। अजीज खान जी हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। और नावेद शिको जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है सर आप सभी का इस चर्चा में। शुरुआत शबनम पांडे जी आपसे करेंगे, कितनी तैयारी, क्या माहौल, क्या परिस्थितियां इस बार और बीजेपी कितना तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है, अपने प्रत्याशियों को भी उतार लिया है। लेकिन उसके ठीक विपरीत असमंजस की स्थिति सपा बनी हुई है। अन्य पार्टी का मुझे लगता है, कांग्रेस तो अपनी प्रत्याशी उतार भी नहीं रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का जीतना बिल्कुल तय है। और उस तय होने की वजह, एक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का सुशासन और देश में जिस तरह का सुशासन और कानून का राज चल रहा है, जनता पूरी तरीके से इस पर विश्वास करती आई है। जनता को ये पता है कि पारदर्शी सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है और उस सरकार में क्या जो भी नुमाइंदा खड़ा होता है उसको कहीं ना कहीं जनता आगे बढ़कर समर्थन देती है। आजमगढ़ निश्चित तौर पे सपा का गढ़ रहा था किसी वक्त, लेकिन धीरे धीरे जनता को ये समझ में आने लगा कि आजमगढ़ जिन माफियाओं के शिकंजे में रहता था, जिन जातिवाद और धर्म के शिकंजे में रहता था, उससे निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ और रामपुर को किया है। और यही वजह है कि जनता भाजपा के साथ है। आप देखिए, अगर कोई भी योजना निकाल कर देखिए और किसी तरह की जनता की समस्या को देखिए, सरकार उसका समाधान जाति और धर्म के आधार पर नहीं करती है, काबिलियत के आधार पर और पात्रता के आधार पर करती है। सभी योजनाओं में पात्रता के आधार पर लोग लाभान्वित। ठीक है, आपकी आवाज़ को दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए इस पैनल में। अजीज जी बहुत स्वागत है। बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए, स्पष्ट कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी में इतनी कश्मकश, इतनी असमंजस वाली स्थिति क्यों? अजीज खान। देखिए स्वाति जी, इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है और पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, क्योंकि जो हालात उत्तर प्रदेश के चल रहे हैं वो बहुत विकट है। आज उत्तर प्रदेश की जनता जिस उम्मीद के साथ बीजेपी को इसने वोट दिया था, कहीं पहले सुशील आनंद का नाम सर आप लोग लाते हैं, शमा वसीम का नाम सामने आता है, फिर ऐन वक्त पर अंशुल यादव का नाम सामने आ जाता है, तो इसे दुविधा नहीं कहेंगे, असमंजस नहीं कहेंगे सर, कश्मकश नहीं कहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे, आप ही बता दीजिए। अब मुझे बोलने का मौका दे तो मैं अपनी बात को रखूं। जी, सवाल था मेरा, सवाल सुन लीजिए, फिर आपको पूरा मौका है सर। जी, और हम किसको वहां टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, ये हमारी हमारी अपनी गणित है। हम कहीं ना कहीं उसको एनालिसिस कर रहे हैं। आपने इस बात को देखा कि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें खासतौर से पूरब को देखें, आप पूर्वांचल में देखें और खासतौर से आजमगढ़ में देखें क्या स्थिति रही। आपने गौर से देखा हो तो आपने देखा कि आपका आजमगढ़ और उसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर किस कदर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया, इन्होंने बहुत दंड फंद किया।
तमाम चीजों को इन्होंने वहां पे कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वहां की जनता गुमराह नहीं हुई और उपचुनाव में भी यही स्थिति पैदा होने जा रही है। बहुत बड़ा मार्जिन जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में जीत का होने जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, रामपुर में भी वही स्थिति है। आपने देखा कि इन्होंने रामपुर में सर थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जाते हैं अजीत जी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, सुन लीजिए पहले मेरी बात कि 2022 का परिणाम तो आप जानते हैं किस तरीके से रहा। आपकी पार्टी 111 सीटों पर सिमट गई, इतना कंफ्यूजन था लास्ट समय में कि किसको टिकट दे किसको सिंबल दे। उसके बाद कहीं ना कहीं सर आपके ही कार्यकर्ताओं का मनोबल कुछ कम होता है और इस तरीके से परिणाम आता है, तो इसको लेके क्या कोई खास रणनीति नहीं, इतना आखिरी वक्त तक आप लोग इंतजार करते हैं आखिरकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट का वितरण ऐसा हुआ, परिस्थितियों बस सारी चीजें तय की जा रही थी और मुझे लग रहा है कि समय से सब सारी चीजें हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक को गुमराह किया और वोट ले लिया, तमाम बड़े बड़े वायदे किए दावे किए और लोगों को कहीं ना कहीं अपने झांसे में ले लिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता खासतौर से बहुत होशियार हो चुकी है, अब वो समझ चुकी है कि इससे पहले भी 2017 में भी वही स्थिति इन्होंने पैदा की थी। अब की बात बताइए सरकार, अब की बात 22 में किस तरह की स्ट्रेटजी है, किस तरीके से आप घेरेंगे बीजेपी को? कड़ा मुकाबला है सर, आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं अगर देखा जाए। मैं कह रहा हूँ स्वाति जी, पहली बात तो ये समझिए कि मुकाबला ही नहीं है, कड़ा तो छोड़ दीजिए आप जा रही, चुनाव एक तरफा है चाहे वो रामपुर का हो चाहे आजमगढ़ का हो, क्योंकि हालात आपने रामपुर के भी देखे हैं, आपने आजमगढ़ के भी स्थिति देखी है, आपने विधानसभा में सारी चीजें अलग तरीके की थी, आपने देखा था आजमगढ़ में किस कदर जो है समाजवादी पार्टी का परचम लहराया, पूरा जिला इनका साफ हो गया, वजह साफ रही क्योंकि वहां के लोग जो है बहुत ही समझदार और सुलझे हुए लोग हैं, और वही स्थिति जो है रामपुर में भी है। आप देखें कि रामपुर में जिस तरीके से माननीय आजम खान साहब को इन्होंने प्रताड़ित किया, वहां की जनता के अंदर दर्द है, एहसास है, उसने इस बात को एहसास किया कि जो आजम खान साहब है उनको वो निर्दोष रहे, उनको इन्होंने प्रताड़ित किया। तो ये सारी परिस्थितियों को, इस सारे समावेश को अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का कद जो है वो लगातार बढ़ा है और समाजवादी पार्टी का जो परचम है वो चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर में हो वो दोनों जगह बहुत बुलंदियों के साथ लहराएगा और आप देखिएगा बड़ा मार्जिन होगा। जरा इसका जवाब दे दीजिए कि इस बार माहौल क्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो अपना दुर्ग बचाना है लेकिन आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, निरहुआ को लड़ा रहे इस बार आप लोग आजमगढ़ की सीट से। स्वाति जी, हमारे सपा के साथी इस तरीके से कह रहे हैं जनता को, जैसे जनता ना समझ हो, जनता को बरगलाया जा सकता हो, इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जनता के जनादेश का अपमान दिखता है। ये वही हुआ जैसे कि बच्चा स्कूल में अगर लिख के नहीं लाता और टीचर फेल कर देती है तो कहते हैं कि टीचर की गलती है, वैसे ही ये अपने हारने का दोष जनता पर मढ़ रहे हैं कि जनता को जनता बेवकूफ है। जनता बहुत जागरूक हो गई है, जनता को पता है कि समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है, समाजवाद के नाम पर कहीं ना कहीं एक परिवार की तिजोरियां भरी जा रही है, जनता को की अनदेखी करते रहे। अभी जिस तरीके की चाहे कोरोना के समय में टिप्पणी रही हो अखिलेश यादव जी की या ज्ञान व्यापी के समय जिस तरीके से इन्होंने टिप्पणी की कि एक पत्थर रख के और टीका लगा दिया जाता है, तरह तरह की टिप्पणियां इन्होंने किया है जो कि कहीं प्रदेश की जनता आहत हुई है। और उसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी को देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने सदा ये कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और बहुत ही टीका टिप्पणी में तो आपकी पार्टी भी तो पीछे नहीं है, पहले उतारा कोई भी पार्टी पीछे नहीं है शबनम जी। नहीं देखिए कौन पीछे है, देखिए हमारी पार्टी बार बार इस बात को कहती रही है शुरुआत से और लगातार साक्ष्यों को भी आप देखेंगे कि हमने सबका साथ के एजेंडे को सबसे पहले रखा है, किसी भी धर्म और जाति की बात नहीं की, किसी के साथ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की, हर किसी को बराबरी का दर्जा दिया और मेरिट बेसिस पे दिया है, और इसको जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है। जिस तरीके से दंगा और माफिया राज हमने खत्म किया है, अगर दंगा या माफियागिरी करने की कोई हिमाकत भी करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करते हैं, इससे जनता अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। उसके ठीक विपरीत अगर देखा जाए तो सपा के कार्यकाल में बॉम्ब ब्लास्ट से लेके दंगा लगातार 200 से ज्यादा दंगा हुए और कार्रवाई किसी पे नहीं हुई। अजीज इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, जरूर देखें इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, अजीज जवाब दीजिए फिर मुझे और लोगों के पास जाना है।
देखिए स्वाति जी, कहने में और करने में अंतर है। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरह कहीं ना कहीं सवालिया निशान इस पे खड़ा हो रहा है और सवालों के घेरे में है। ये अननेसेसरी इस तरीके से अपना गोल्ड मेडल ले रही है मैडम, मैं देख रहा हूँ ये बहुत ही हालात सुलझी हुई महिला है। मैं शबनम पांडे जी को जानता हूँ चूंकि मेरे बहुत सारे डिबेट इनके साथ रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, पार्टी में है तो निचोड़ी ये कहेंगी। मैं बताना चाहूंगा कि आप पिछला रिकॉर्ड देखें, आप 17 में देखें, 18 में देखें, 19 में देखें, यहां तक कि जो इनके केंद्रीय मंत्री पिछले रहे हैं हंसराज गंगाराम अहिर जी, वो 11 दिसंबर 2018 में उन्होंने एक सवाल के जवाब में भी कहा था कि 2014 और 17 के मुकाबले जो है लगातार जो है वो दंगे बढ़े हैं और 32% दंगे बढ़े, कमन राइट बढ़े हैं। और यहां तक कि जो एनसीआरबी का जो डाटा रहा, मैं आपको बताऊं 2017 में 8,990, 2018 में 8,908 और 2019 में 5,714 ये दंगे हुए, कम्युनल राइट्स हुए, उसमें आप जानिए 32-44 मौतें भी हुई हैं। तो ये कहना कि साहब कम्युनल राइट्स नहीं हुए, उसके साथ साथ हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, अभी लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए ललितपुर में क्या हुआ, किस तरीके से एक महिला के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हुआ, आपने देखा चंदौली में क्या हुआ, अभी कानपुर का दंगा कोई भूला अभी नहीं, उपचुनाव है, उपचुनाव में नतीजे जो आएंगे उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उपचुनाव है कहीं ना कहीं 2024 की जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं वो इससे पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी, एक जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी कि क्या चल रहा है प्रदेश की जनता के मन में। हमारे साथ दो और मेहमान नावेशिको मनोज पांडे जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी नावेशिको जी से, किस तरीके से देख रहे हैं सर पूरा चुनाव और इस बार की जो परिस्थितियां हैं 2019 की अगर हम बात करें तो कितनी विपरीत है, क्या कैसे आंकलन करेंगे इसका? रामपुर और आजमगढ़ की बात हो रही है उपचुनाव में, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के ये गढ़ हैं, ये स्तंभ हैं, ये आधार हैं और दोनों ही जो इनका अपना एक MY फैक्टर है उसका एक आधार जैसा है, चाहे रामपुर की बात की जाए या आजमगढ़ की बात की जाए। इसमें समाजवादी पार्टी के दो सबसे बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और बम्पर वोटों से ये जीतते भी हैं, इनको यहाँ हराना बहुत कठिन है, इस बात में कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल जिसका एक माहौल है, जिसका जनसमर्थन है, जिसकी एक ताकत है, जिसके पास एक रणनीति है, जो चुनाव लड़ने में माहिर पार्टी कही जाती है, जिसका जनसमर्थन सबसे बड़ा है, जिसको आज की तारीख में दावा किया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश, जो उसकी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है, यहाँ जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह की कोशिश करती है और जीतती भी है। लेकिन ये जो ठिकाने हैं, दुर्ग हैं, हाँ। जो खंभे हैं, इनको हिला पाने में भाजपा के भी पसीने आ जाती है। पिछले चुनाव इसके सामने इसकी एक वानगी है, आपने देखा किस तरीके से आजमगढ़ में चुनाव हराने के लिए समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को हराने के लिए जो कोशिशें की गई वो मामूली कोशिशें नहीं थी, हर कोशिश की गई, कोई कोशिश ऐसी नहीं थी जो बाकी ना हो। इसी तरीके से रामपुर में भी, हालांकि रामपुर में बहुत मुश्किल है, वहां पर उतने प्रयास नहीं किए गए। असल में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने की पॉलिसी और उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही लाजवाब है, इस पर कोई शक नहीं है। उसकी कोशिश ये रहती है कि जो हमारी प्रतिद्वंदी है उसको हम कमजोर करें, उसके बाद उसकी जड़ों को खोद दें, उसकी जड़ों को खत्म कर दें ताकि फिर हरियाली ना आ जाए। कांग्रेस के साथ यही किया गया, एक लंबे समय तक बड़े धैर्य के साथ, बड़े संयम के साथ, बहुत अच्छी तैयारी के साथ, बहुत अच्छी ग्राउंड पर मेहनत और पसीना बहाने के बाद कांग्रेस को उन्होंने लगभग जो है कतर दिया, लगभग खत्म होने की कगार पे ले आए। उसके बाद उनका लक्ष्य था, जो उनके सबसे बड़े नेता हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा है, जो उनकी जड़ है, राहुल गांधी को हरा दिया और हराने के लिए लगातार मेहनत की, ऐसा नहीं कि एक बार हार। तो वही मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है, एक बड़े विपक्षी चेहरा और विपक्षी ताकत है, उसको खत्म करने के लिए जो कोशिश चल रही है, तो कोशिश ये है कि हम अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा को खत्म कर दें, क्योंकि अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है प्रतिष्ठा समाजवादी पार्टी की, तो उसको लड़ने की जो तैयारी है समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बड़ी चुनौती देगी, इसमें कोई शक नहीं है। चुनौतियां तो देंगी सर, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है, कश्मकश बहुत है, अजीज जी बात मान नहीं रहे हैं, बहुत देरी कर रहे हैं। देखिए नावेद सिको जी का अपना एनालिसिस है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में खासतौर से आजमगढ़ और रामपुर, देखिए वो एक अलग परिस्थिति, मैंने कहा अलग परिवेश है, और समाजवादी पार्टी
कहीं ना कहीं वहां पर समाजवादी पार्टी ने बड़े स्तर पर काम किया है और वहां के जनता से जमीनी स्तर पर हमारे नेता जुड़े रहे हैं। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप, और वो दिख रहा है। आपने देखा आजमगढ़ में पूरे विधानसभा के चुनाव में, आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में किस कदर चूपड़ा साफ हुआ बीजेपी का, और वही नहीं बल्कि उसका असर आप देखिए पूर्वांचल में, देखिए आप पूर्वांचल में किस तरह मुंह की खाई है बीजेपी। ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को एहसास कर रही है। इनके एनालिसिस में भी आया कि तमाम जिले ऐसे रहे जहां पर ये इनके इनके इन, इन, इनका आप ये समझिए खाता नहीं खुल पाया। आप देखिए रामपुर की स्थिति वही कमोबेश रही। रामपुर में हमारे माननीय आजम खान साहब को हराने के लिए, उनके परिवार के लोगों को हराने के लिए, हमारे तमाम नेताओं को हराने के लिए इन्होंने एड़ी और चोटी का जान लड़ा दिया, लेकिन क्या रिजल्ट रहा उसका? उसका रिजल्ट क्या था? मनोज पांडे जी वहां की शबनम जी इसका जवाब लेंगे आपसे, बड़े मतों से। पहले मनोज पांडे जी के पास जी, मनोज पांडे जी, ये जो बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं, किस तरीके से आपका अपना आंकलन है, विश्लेषण कैसे करेंगे इसका? देखिए जहां तक आजमगढ़ और रामपुर, अब आज की तारीख हम दो सीटों पर बात करने आए हैं, इसका पहला तो एक जो ये इस डिबेट में एक बात आ रही है, इसका न तो कोई 24 के चुनाव से लेना देना रहेगा, न ये 24 के चुनाव पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव डाल पाएगा। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। अभी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य तय किया, वो 75 का है, 80 में 75, 5 अभी 3 समाजवादी पार्टी के पास है। तो यानी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने लक्ष्य में इसे एक सीट के रूप में रखा है, संघर्ष के रूप में रखा है, इसे सीट के रूप में, अपनी जीती हुई सीट के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी मान के नहीं चल रही है। दूसरी बात, जहां तक पूर्वांचल का प्रश्न है, पूर्वांचल का प्रश्न है, तो अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव के बाद एमएलसी का चुनाव हुआ, और वहां पर आपने परिणाम देखा, वहां न समाजवादी पार्टी जीत पाई न भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। वो अलग प्रश्न है कि कौन जीता, वो चुनाव जीते जो अपने को कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन उनके बेटे निर्दल चुनाव जीते। ये जो गणित है, जो आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है कि अगर वो उसमें सफल रही, देखिए पॉलिटिक्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं, और एक्सपेरिमेंट में भारतीय जनता पार्टी एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन उसका एक एक्सपेरिमेंट है कि यदि वो उसमें सफल हो जाती है तो उसके लिए एक बड़ी जीत होगी, और अगर सफल नहीं होगी तब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं होगा, और यदि समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव हार जाती है तो हाँ ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि वो दोनों चेहरे बड़े चेहरे हैं। आजम खान साहब का जो इस समय कुछ समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ता दिखाई दे रहा है, वो भी अब सामान्य रिश्ते की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ेगा, तो आजम रामपुर में भी एक अच्छा संघर्ष रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो निरहुआ को चुनाव लड़ाया है, तो कहीं ना कहीं वो भी उस जातिगत जो MY का समीकरण है, तो वाई तो जो है रखा भारतीय जनता पार्टी ने, वो पहले से जानती है कि M उसके पास कम से कम संख्या में है, अगर है भी तो कम संख्या में है, तो वो भी अपना कहीं ना कहीं वाई और वाई के अतिरिक्त दूसरे समीकरणों को जोड़ घटा करके जिस तरीके से वो चुनाव लड़ना चाहती है, और गुड्डू जमाली जी के चुनाव लड़ने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव में कुछ ना कुछ असर रहेगा। ये मैं नहीं कहता कोई चमत्कारिक परिणाम आ जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से ये चुनाव बड़ा कसमकस का होगा, और ये चुनाव चूंकि दो ही चुनाव हो रहे हैं तो सरकार अपना पूरा दम लगा देगी, भारतीय जनता पार्टी पूरा दम लगा देगी, इसलिए चुनाव बड़ा रोचक होने जा रहा है, ये तो तय है। ठीक है शबनम जी, ये तो आप भी मानती हैं कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है, ऐसे में आपके लिए चुनावी जो मुकाबला है कह सकते हैं बहुत कांटे का होने वाला है, निरहुआ को आपने मैदान में उतारा है, तो क्या लगता है कितनी संभावनाएं, और पिछली बार जो गलतियां बीजेपी ने की थी, क्या उन गलतियों को दूर करने की कोशिश की गई इस बार? देखिए स्वाति जी, निश्चित तौर पे कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो सामान्य चुनाव हो या उपचुनाव हो, चुनाव को भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति तैयार करती है और रणनीति के तहत चुनाव लड़ती है, और हर चुनाव को चुनौती समझती है। आजमगढ़ में हो या रामपुर में हो, आप देखिए हमने तो अपने प्रत्याशी सीधे उतार दिए, लेकिन आज भी कश्मकश की स्थिति सपा में बनी हुई है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से हताशा की स्थिति में सपा चल रही है। रामपुर में आजम खान साहब पे जितने भी मुकदमे हुए वो रामपुर की जनता ने की है, और उस पर उनको उनके कंधे पर हाथ रखते हुए जिस तरीके से सपा के हमारे साथी दिख रहे हैं, निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट डबल बनाता है,
जौहर यूनिवर्सिटी में फर्जी पैसे लगाते हैं, सरकारी पैसे लगाते हैं, तमाम ऐसे मुकदमे उन पर चल रहे हैं जिस पर उन्हें क्लीन चिट नहीं मिला है। उस पर ये कहना कि भाजपा ने किया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वहां की जनता ने मुकदमा किया है। और निश्चित तौर पे हताशा की स्थिति सपा में बनी हुई है, क्योंकि वो बार बार अपने प्रत्याशियों को भी बदल रहे हैं। और MY का समीकरण तो वो तो कह रहे हैं कि उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जनता जानती, वो तो कह रहे हैं कि उनकी रणनीति का ये हिस्सा हो सकता है। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है ना कि हम कब कौन से प्रत्याशी को किस समय उतारे, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने साफ कर दिया है। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं इस बात से जनता भी समझती है कि आज वो प्रत्याशी उतारने में इतनी हताशा महसूस कर रहे हैं, तो जनता समझती है कि ये प्रत्याशी किस तरीके से उनके साथ खड़े रहेगा, किस तरीके से उनके समस्याओं का समाधान कर पाएगा। जनता समझती है कि नहीं कर पाएगा, और जनता अच्छी तरीके से आती है। अजीत जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जब आपको लगा कि निरहुआ वहां पर पूरी तरीके से एक्टिव हो गए, तब अखिलेश यादव को लगा, तब सपा को लगा कि हाँ अब कड़ा मुकाबला है। निरहुआ 2019 में भी चुनाव लड़ा और क्या पोजीशन रही निरहुआ की, आप खुद जानती हैं। देखिए, जो जनता है ना वो नेतृत्व और नेता को पसंद करती है, जमीनी शख्स को पसंद करती है, ऐसे लोगों को नहीं पसंद करती है जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं। भाई उनका ये फील्ड नहीं है, समाज सेवा उनका फील्ड नहीं है। निरहुआ तो कहते हैं कि अखिलेश यादव ने तो गहराई से जाना नहीं, आजमगढ़ को छोड़ दिया, देखिए उनको चुनाव में उतर गए, तो फील्ड पर जाते ही नहीं है। जी जी अरे मुझे मौका दे। देखिए एक बात आप समझिए, देखिए आजमगढ़ की जनता जो है बहुत समझदार है। 2019 में उसने किस कदर फैसला किया, और निरहुआ की जमानत जब्त हो गई है, आपको शायद पता है इस बात को, क्योंकि निरहुआ को लोगों ने गंभीरता से लिया ही नहीं, और आज भी गंभीरता से जनता नहीं ले रही है। वो निरहुआ वहां या कहीं से भी चुनाव लड़े उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि गंभीर शख्स नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह है कि देखिए हमारा जो प्रत्याशी है, हमारे जो लोग हैं, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो कद है,